टेक टिप्स के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अलीबाबा ऐप में किस तरह आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मैं alibaba.com ऐप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ऐप ओपन होते ही नीचे आपको दो बटन मिलेंगे, पहला गेट स्टार्टेड का, दूसरा रजिस्टर और साइन इन का। आप बिना रजिस्टर और साइन इन किए यूज करना चाहते हैं तो गेट स्टार्टेड टैप कर दीजिए, क्योंकि हमें लॉगिन करना है और आईडी बनानी है, इसलिए मैं रजिस्टर और साइन इन के बटन पे टैप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको जीमेल की आईडी से साइन इन करके दिखा रहा हूँ। रजिस्टर करना है तो आप कंटिन्यू विद ईमेल पर टैप करेंगे। दोस्तों तो मैं आपको जीमेल की आईडी से रजिस्टर करके दिखा रहा हूँ, इसके लिए जो पहला ऑप्शन है गूगल, इस पर टैप कर दीजिए। तो टैप करते ही दोस्तों आपसे अकाउंट चूज करने बोलेगा, मोबाइल फोन में जितने भी जीमेल के अकाउंट से लॉग्ड इन है वो आपका दिखाने लगेगा। तो मैं आपको समझाने के लिए कोई एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं और आप थोड़ी देर में साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होते ही आपसे नोटिफिकेशन सेंड करने की परमिशन मांगेगा, तो अलाउ पे टैप कर दीजिए। तो इस तरह दोस्तों आप बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर आप alibaba.com ऐप में गूगल या फिर फेसबुक का यूज कर साइन इन हो सकते हैं या फिर रजिस्टर का ऑप्शन यूज करके आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था alibaba.com ऐप में किस तरह आप साइन इन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया, अगर पसंद भी आया होगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में।